बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हॉट फ्लेम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ास विदाउट ओवन। ये हम पैन में बनाएंगे, बहुत सिंपल चीज़ों के साथ झटपट बन जाते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ज़बरदस्त हैं। तो चलें इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया और उसको वॉश करके मैंने ये छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है। मैंने तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर चिकन लिया। आपने जितने पिज़्ज़ास बनाने हैं उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसमें अब मैं डालूंगी टिक्का मसाला जो पैकेट्स में मिलता है, आप वही वाला ले लें। और 1 टीस्पून मैंने इसमें टिक्का मसाला ऐड किया और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन का जूस। ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसमें टिक्का मसाला की और लेमन की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे और इसको कवर कर देंगे। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए आधा घंटा हो गया है, अब हम उसको पहले पकाएंगे। मैंने एक छोटा पैन लिया और उसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाल दिया और इसके अंदर अब ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा था इसको हम डाल देंगे। ये देखिए, और फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम पर, मीडियम टू स्लो आप फ्लेम रखें और इसको आप इसमें ऑयल में हल्का हल्का सा फ्राई कर लें। जो मेरे व्यूअर्स नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये पिज़्ज़ा और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। देखिए 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम हीट पर फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी, जो 3 टेबलस्पून के बराबर होगा, और इसको लो फ्लेम के ऊपर कवर करके मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकने दूंगी ताकि चिकन अच्छा सा गल जाए। 5 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पर पका लिया है। अब देखते हैं, ये देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम फ्यू सेकंड तक इसको ढक्कन के बगैर पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो हल्का सा मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये सारा मसाला जो है ये चिकन के साथ लग जाए। आज हम जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं वो है टिक्का फ्लेवर में और टिक्कों की बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसको हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। ये देखिए तकरीबन 30 सेकेंड तक मैंने इसको पकाया और इसका मॉइस्चर मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और असेंबलिंग की तरफ चलेंगे। तो चलें सबसे पहले असेंबलिंग का काम कर लेते हैं। आज हम जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसके लिए बकायदा हमने डो तैयार नहीं की बल्कि ये बर्गर बंस हैं जो इजीली हर मार्केट से हर स्टोर से मिल जाते हैं। हमने डो की जगह इनको यूज़ किया है ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो झटपट तैयार हो जाए। तो ये हमने इसके 4 पीसेस लिए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम 1 चम्मच दूध, तमाम जितने भी हमारे पास ये ब्रेड पीसेस हैं इनके ऊपर 1-1 चम्मच हम दूध डाल देंगे ताकि इससे जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। और कोशिश करें कि ये जो दूध आप डाल रहे हैं ये इन बंस के किनारों पर ज़्यादा लगे क्योंकि किनारे अमूमन थोड़े से हार्ड होते हैं। दूध को हमने इन 4 पीसेस के ऊपर लगा दिया। अब हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस का 1-1 चम्मच या 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हम इनके ऊपर लगाएंगे। आप पिज़्ज़ा सॉस की जगह चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास उस वक़्त पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है
तो आप चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से इसकी क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक के ऊपर तकरीबन 2 टीस्पून लगाया है। चलें, पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब इस पर हम डालेंगे बाकी चीज़ें। उसके लिए सबसे पहले हम इस पर डालेंगे चिकन। चिकन के पीसेस भी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा पर चिकन भी डाल दिया। अब इसके ऊपर हमने अनियंस जो हैं वो छोटे छोटे से काट के रखे थे, वो हम थोड़े थोड़े से अनियंस जो हैं वो इनके ऊपर डाल देंगे। अनियंस भी डल गए। देखिए, ये बहुत कम मटेरियल में ये पिज़्ज़ा जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। अब इसी तरह से हम शिमला मिर्च के ये छोटे छोटे से पीसेस हैं इनको भी हम पिज़्ज़ा के ऊपर डाल देंगे। कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टोमेटोस। टोमेटोज़ भी इसी तरह से हमने डालने हैं। इसका भी टेस्ट भी और कलर भी बहुत ही खूबसूरत आता है। लेकिन अगर आप नहीं पसंद करते, आपके बच्चे, तो आप अपनी पसंद से या अपने बच्चों की पसंद से जो ये वेजिटेबल्स हैं इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे आप मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, और इनमें से जो सी वेजिटेबल आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करते उसको आप स्किप कर सकते हैं। देखिए कितने कलरफुल से ये तैयार हो रहे हैं। अब इसके ऊपर हम ये चीज़ डाल देंगे। मैंने इसके लिए पिज़्ज़ा चीज़ ली है। आप मोज़रेला या चेडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जितनी भी क्वांटिटी आप डालना चाहें, ज़्यादा कम, इसको आप डाल लें। हमने चीज़ भी इसमें डाल दी है। अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ, और आपने वो स्टेप भी ज़रूर देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। तो इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लिया है। उसके अंदर मैं तकरीबन हाफ टेबलस्पून के बराबर ऑयल डाला और इसको डाल के अच्छी तरह से ब्रश के साथ सारा इसमें हम पैन में लगा देंगे। चलें, इसको लगाने के बाद अब ये जो हमारे हमने पिज़्ज़ा रेडी करके रखे थे, एक एक करके हम इनको इसमें रखते जाएंगे। ये रख दिए हमने तमाम पिज़्ज़ा इसमें, और फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो पे रखेंगे और इसको हम कर देंगे कवर कुछ टाइम के लिए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इनको दम पर इस तरह से कवर करके पकने दिया। अब हम इसको चेक करते हैं। वाओ, ज़बरदस्त! देखें, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत पिज़्ज़ा बने हैं। ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, तो आप इनको ज़रूर बनाएं। हम इनको डिश आउट करते हैं किसी अच्छी सी डिश में, इस तरह से किसी अच्छे से प्लेटर में हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये रेडी हैं बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त से स्मॉल पिज़्ज़ा जो हमने ओवन के बग़ैर बनाए हैं। और एंड पर एक अच्छी बात के साथ कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को माफ़ करने का हुनर जानता हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।